तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि रोड में चलने का हक सभी का बराबर है, जितना आपका है उतना एक स्कूटर वाले का है, उतना ही एक ऑटो वाले का है, उतना एक मोटरसाइकिल वाले का है, उतना ही हक एक ट्रक वाले का है, एक बस वाले का है। सभी ने अपने अपने हिसाब से रोड टैक्स दे रखा है सरकार को, तो सभी को इतना हक है कि रात में ड्राइव करते हुए उनको प्रॉपर विजिबिलिटी मिले रोड के अंदर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं सिंगल लेन हाईवे पे चल रहा हूँ, सिंगल लेन वन साइड, और मेरे राइट वाली जो लेन है उसमें गाड़ियां आ रही हैं, तो उनकी जो लाइट है उनसे मुझे परेशानी हो रही है। तो सिंगल लेन में गाड़ी चलाते वक्त आपको सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी जो बीम है वो लो रहनी चाहिए, जैसे कि मैंने कर रखी है, और आने वाला जो ट्रक है उसने भी बीम लो कर रखी है, लेकिन ये जो गाड़ी आई इसने हाई बीम कर रखी है, जिससे कि मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई और मुझे ये स्पीड ब्रेकर नहीं दिखा और मुझे काफी जोर का झटका लगा। इससे ये नुकसान होते हैं, उससे ये नुकसान होता है कि आपकी आंखें चमक जाती है उस रोशनी से, और आप जो है रास्ते में आपको कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आपके आगे कोई चल रही है, मान लो कोई आदमी चल रहा है या फिर साइकिल चल रही है जिसमें कोई लाइट वगैरह नहीं होती है, आप उससे टकरा सकते हैं या फिर आप रोड के किनारे से नीचे उतर सकते हैं, यानी कि रोड से नीचे आपकी गाड़ी उतर सकती है अगर आपकी सिंगल लेन हाईवे है, या फिर हो सकता है आगे कोई गड्ढा हो या ब्रेकर हो, आपको दिखे ना, आप उसमें गाड़ी उसी स्पीड में चढ़ा दें। तो सबसे पहली चीज है अपनी बीम को लो रखें, और दूसरी चीज अगर कोई गाड़ी आती है, जैसे कि वो आगे गाड़ी आ रही है, अभी तो काफी दूर है, मैं उसके पहले नजदीक चला जाता हूँ, उसने हालांकि हाई बीम कर रखी है, देखो अभी मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि लो बीम कर ले। रिक्वेस्ट कैसे करूंगा, मैं ऐसा टिप्पर दूंगा, ये देखो कोई भी रिएक्शन नहीं, उसकी बीम अभी भी हाई की हाई है। कई बार ऐसा होता है कि लोग समझते नहीं है, और आपने जो सिग्नल दिया है उन्हें पास लाइट जला के, उसको वो समझते नहीं है, कोई भी रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि उन्हें रोड के रूल्स नहीं मालूम है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको दिखे या ना दिखे। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करता है आपकी लाइट से किसी की आंखों में चमक हो रही होती है, तो आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए उस सिग्नल का, और अपनी बीम को लो कर दीजिए। जैसे ये हाई बीम है, किसी ने मुझे सिग्नल दिया तो मैं ऐसे लो कर दूंगा, अभी देखिए मैं उसको सिग्नल देता हूँ, ये लाइव एग्जांपल है, हाई उसमें चल रहा है, देखो हाई बीम में कुछ फर्क नहीं, ये बस वाला है, ट्रक वाला सॉरी, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। तो इस कंडीशन में करना क्या है आपको, अगर कोई आपकी बातों को समझता नहीं है, पहले मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आगे कोई गाड़ी आ रही है, इसकी बीम कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने हाई बीम में ही चला, और मैं अभी हूँ मुरादाबाद के आसपास, और यहाँ पर ये नज़ारे हैं। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इस कंडीशन में आप उस गाड़ी की लाइट पे कंसंट्रेट ना करें। हम क्या करते हैं, हमें परेशानी होती है, हम उसे गाली देते हैं मनी मन में, और उसको घूरते रहते हैं, उस गाड़ी को तो घूरते रहते हैं, तो हमारी आंखों की चमक और ज्यादा बढ़ती जाती है, हम और ज्यादा अंधे होते जाते हैं। तो उन्हें मत देखिए, बेशक आप गाली दीजिए मन मन में आप, लेकिन रोड के किनारे में देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आप रोड में ही हैं, आप बिल्कुल सही दिशा पे जा रहे हैं, आप बिल्कुल सही दिशा पे जा रहे हैं। देखिए सब ने हाई बीम, मैं करता हूं तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, बस ये पीछे गाड़ी वाली ने लो बीम कर रखी है। तो बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिनके किनारे में पट्टी होती है, अभी जैसे ये सड़क है इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी पता चल जाता है अगर आप ध्यान से देखोगे। आप ध्यान वहां ना दें गाड़ी की लाइट में, आप यहाँ देखें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपके पास कार है और रोड में कई स्कूटर मोटरसाइकिल वाले भी चलते हैं जिसकी रोशनी आपकी गाड़ी की रोशनी से बहुत ज़्यादा कम होती है, उनके पास एक हेडलाइट होती है, आप दो दो चला के चलते हैं, फॉग लैम्प जला के चलते हैं, तो होता क्या है, टू व्हीलर वालों को, स्कूटर मोटरसाइकिल वालों को कार की लाइट से हमेशा दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में क्या करना है आप लोगों को, आपको पता चलता है जैसे वो स्कूटर वाला आ रहा है वो आपको सिग्नल देता है, तो आप अपनी हेडलाइट को बंद करके थोड़ी देर के पार्किंग लाइट जला लीजिए और उसके बाद ऑन कर दीजिए। इतने में होगा क्या कि जो स्कूटर मोटरसाइकिल वाला रोड पे चल रहा है उसको पता चल जाएगा कि मेरे आगे कोई भी रिस्क नहीं है, रोड बिल्कुल साफ है। उसके बाद आप अपनी हेडलाइट ऑन भी कर देंगे तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी उस आपकी गाड़ी की रोशनी से। अब जैसे वो आया, मैंने बिल्कुल बंद कर दी, उसको पीछे पूरा क्लियर हो गया होगा कि रास्ता साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई बैलगाड़ी नहीं जा रही, कोई आदमी नहीं जा रहा है,
और बाद में मैंने हेडलाइट अपनी ऑन कर दी और वो सेफली चला गया। पार्किंग लाइट क्या होता है, एक आपकी हेडलाइट होती है, जब आप अपनी लाइट को ऑन करते हैं तो फर्स्ट टाइम में पार्किंग लाइट जलती है। जैसे मैंने पूरी बंद कर दी हाईवे पे, अब मैंने फर्स्ट करूंगा तो हेडलाइट जली है। इसमें मैं फॉग लैंप भी जला सकता हूँ, ये फॉग लैंप जल गए मेरे हल्के से। और हेडलाइट ऑन करने के लिए एक बार और स्विच को ऑन करना पड़ेगा। वैसे मैं रिस्क ले रहा हूँ हाईवे में हेडलाइट को बंद करके, खैर उस टाइम पे कोई नहीं आ रहा था। तो आप ऐसा करके उनकी हेल्प कर सकते हैं नाइट ड्राइविंग में, उनके लिए वो काफी सेफ रहेगा। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो रात के समय पे ऐसे ही सिंगल लेन हाईवे पे हाई बीम जला के चलते हैं। तो दो टाइप के लोग होते हैं, सबसे पहले जिनको पता नहीं होता, जिनको नॉलेज नहीं होती है, जिन्हें ये नहीं पता होता कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस है रात में गाड़ी चलाने के, क्योंकि उन्हें जो लाइसेंस है वो फर्जी तरीके से मिला होता है, फर्जी तरीके से बनाया होता है, बिना टेस्ट दिए, बिना टेस्ट में पास हुए। तो एक टाइप के लोग वो होते हैं, और दूसरे टाइप के वो होते हैं जो ये समझते हैं कि हम खलीफा हैं, हम रोड में चल रहे हैं तो पूरा रोड को देखने का हक हमारा है, दूसरा मरे तो मरे, दूसरे को दिखाई दे तो या ना दे, या ऐसे सोचते हैं कि मेरी महंगी गाड़ी है, मैं महंगी गाड़ी में चल रहा हूँ, ये सस्ती गाड़ी वाले की मजबूरी है। तो कई लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास जो है महंगी गाड़ी है उसमें अच्छी लाइटें हैं, यानी कि उसकी लाइटें ज्यादा ब्राइट है, जो आगे आने वाला बंदा है उसकी लाइटें उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो उसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन एक बात सोचो आप लोग, आपकी लाइट ब्राइट होने से अगर किसी बंदे को चोट लग जाए, तकलीफ पहुंच जाए, उसको दिखाई ना दे रोड में, क्या ये सही चीज है, क्या आपको ये चीज अच्छी लगती है? नहीं ना। तो इसलिए अगर कोई सिग्नल देता है तो आप जो है अपनी लाइट को कम कर दीजिए, धीमा कर दीजिए, या फिर लो बीम कर दीजिए। आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छी लाइट वाली गाड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हाईवे पे किसी को परेशान करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की।